आज एक एक करके तीन उल्का पिंड गुजरने वाले हैं पृथ्वी के पास से। टक्कर होने पर ला सकते हैं बड़ी तबाही। उल्का पिंड धरती से टकराएगा तो भारी नुकसान करेगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खींच सकता है इन्हें अपनी तरफ। एक उल्का पिंड इतना बड़ा कि अकेले ही खत्म कर सकता है आधी आबादी। आज 24 जुलाई है और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की नज़र अंतरिक्ष पर है, क्योंकि आज पृथ्वी के करीब से एक एक करके तीन उल्का पिंड गुजरने वाले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इनमें से किसी एक को भी अपनी तरफ खींचा तो तबाही मच सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस समय अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहे तीन उल्का पिंडों पर नज़र रख रहे हैं। ये उल्का पिंड तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये आज पृथ्वी से टकरा सकते हैं। वैज्ञानिक काफ़ी समय से इन तीनों उल्का पिंड पर नज़र रख रहे हैं। यह उल्का पिंड सीधे नहीं है, लेकिन पृथ्वी के बेहद पास से गुजरेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इन्हें अपनी तरफ खींच सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण इन तीन उल्का पिंडों में से किसी एक की टक्कर पृथ्वी से हो गई तो तबाही हो सकती है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक उल्का पिंड तो इतना बड़ा है कि वो अकेले ही आधी आबादी को ख़त्म कर सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एस्ट्रॉइड या उल्का पिंड जब धरती के पास से गुजरते हैं तो खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनकी टक्कर बड़ी तबाही ला सकती है। अंतरिक्ष से आ रहे पहले उल्का पिंड का नाम है एस्ट्रॉइड 2020 ND। इसकी गति 13.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यह 170 मीटर लंबा है। यह धरती के करीब 50.86 लाख किलोमीटर की दूरी से निकलेगा। हालांकि अंतरिक्ष में इस दूरी को ज़्यादा नहीं माना जाता है। आम तौर पर मंगल और गुरु ग्रह की कक्षा के बीच में ऐसे उल्का पिंड बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें पृथ्वी के पास से गुजरने वाले उल्का पिंडों की संख्या कम होती है। ऐसे में पृथ्वी के नज़दीक इन क्षुद्र ग्रहों के आने से खतरा बढ़ जाता है। ऐसे उल्का पिंडों को खगोल विज्ञानी खतरनाक क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अगर एस्ट्रॉइड 2020 ND सीधे धरती से टकराता है तो यह करीब आधी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। हालांकि अनुमान है कि यह उल्का पिंड धरती के काफ़ी दूर से निकल रहा है, इसलिए किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं फिलहाल जताई गई है। दूसरा उल्का पिंड है 2016 DY30। ये धरती के करीब से 34 लाख किलोमीटर दूर से निकलेगा, जबकि 2020 ME3 धरती से 56 लाख किलोमीटर दूर से निकलेगा। सबसे नज़दीक से निकलने वाला एस्ट्रॉयड 2016 DY30 ही है। एस्ट्रॉयड 2016 DY30 की गति 54,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 2020 ME3 की गति 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। एस्ट्रॉयड 2016 DY30 की चौड़ाई सिर्फ 15 फीट है, लेकिन ये धरती से टकराएगा तो भारी नुकसान करेगा। दरअसल क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड या उल्का पिंड मूल रूप से ग्रहों के टुकड़े होते हैं। ये टुकड़े इन ग्रहों के जन्म के समय से बचे हुए हैं। इन ग्रहों में पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल शामिल हैं। यह टुकड़े अक्सर अंतरिक्ष में घूमते हुए धरती के करीब आ जाते हैं। बताते चलें कि खगोल जगत के लिए 24 जुलाई का दिन यानी आज का दिन बेहद अहम है। अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 24 जुलाई को एक बेहद बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी के समीप आएगा। नासा की चेतावनी के मुताबिक यह उल्का पिंड आकार में बेहद बड़ा और ख़तरनाक साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह उल्का पिंड लंदन के प्रसिद्ध लैंडमार्क और पर्यटक स्थल लंदन आई से भी बड़ा है। बता दें कि लंदन आई की ऊँचाई 443 फीट है। पृथ्वी के पास से गुजरने वाला उल्का पिंड लंदन आई के आकार से 50% बड़ा हो सकता है।